कराची ईद फेस्टिवल पर तुम लोग गए थे? नहीं मैं नहीं गया। नहीं? मैं गया था। तुम गए थे? मैं गया था। फिर तुमने शुरू की थी मारामारी? मैं गया था संडे वाले दिन, और जब मैं एंटर हो रहा था तब हो रहे थे 8:30, और तभी मारामारी स्टार्ट हुई थी। दरअसल हम लोग, हाँ मैंने सब कॉल भी की थी, दरअसल मारामारी शुरू कर दी। हम लोग अंदर जा रहे थे और एकदम से गेट हो गए बंद, और पूरा जो क्राउड था वो एक साथ आ गया वहां पे, और उसके अंदर फैमिलीज भी थी, बच्चे भी थे, और वो इतना ज्यादा हो गया रश के, मतलब वो कंट्रोल नहीं हुआ, और जो बॉयज थे उन्होंने फिर मारामारी स्टार्ट कर दी, गेट तोड़ दिए, कुछ फैमिलीज थी उनकी फाइट हो गई आपस में, वो होता ना कि हमारी गर्ल्स हैं तो उनके साथ टकरा गया और ये हो गया, तो वो जो था वो सीन बहुत ज्यादा आउट हो गया था। फिर लाइट्स भी ऑफ हो गई, अब लाइट ऑफ, अंधेरा, और 500 लोग एक साथ, फिर उसमें फैमिलीज भी सब, अब हम भी उसी में, फिर ये अल्लाह अल्लाह करके हम निकल गए। तो फिर कराची ईद में मजा नहीं आया, पब्लिक में मजा आया, पब्लिक में मजा आया था बहुत। हाँ नहीं मतलब लाइट ही बंद था, ये भी तो सोच 500 लोग थे, वही तो। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कराची ईट फेस्टिवल में मैं भी था, मेरी परफॉर्मेंस थी वहां पर 8 बजे, जब उसामा आया था वहां तो मेरी परफॉर्मेंस हो रही थी जब ये एंटर हो रहा था। हमारी पब्लिक को ना एक चीज समझनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, वहां पर कैफी आया हुआ था परफॉर्मेंस करने के लिए, जाहिर है वो अभी हॉट केक चल रहा है, वो अभी मशहूर हुआ है, उसने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं अभी हमारे लोगों को, लोग सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का बिहेवियर था ना स्पेशली बॉयज का या कुछ गर्ल्स का कैफी के लिए, वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि हमारे लोगों, हमारे जो आर्टिस्ट है ना, बॉटल्स फेंकना उसके ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस पे, हम परफॉर्मेंस करके नीचे उतरे तो कैफी को जाना था ऊपर, वो ऊपर गया है, उसने जाके वो आया, वो पब्लिक के लिए था जाहिर है, तो पब्लिक को ये वाला उसके लिए, उसके साथ बिहेवियर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, और हमारे आर्टिस्ट को अगर पब्लिक इज्जत नहीं देगी ना, अगर इतना प्यार नहीं करेगी, तो पता है आर्टिस्ट अंदर से जो है ना वो फिर वो हसास हो जाता है, मर जाता है फिर। मुझे आई रियली थिंक दैट कैफी इज अ सेल्फ मेड बच्चा, और वो जिस तरफ से और जिस रास्ते से आया है, आई थिंक दैट जिन हालात से आया है, दैट ये बड़ी अच्छी बात है कि ओन करता है, क्योंकि जब एक इंसान ऐसी चीज़ें ओन करता है ना, तो हर एक नन्ही सी जान में ना जो एक होप होता है, जो एक सपना देखने की वो चीज़ पड़ती है। सो मैं जब गई थी मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि लोग एयर ड्रॉप पर नंबर दे रहे थे अपना, और वो बड़ा ऑकवर्ड सा था। काफ़ी लोगों ने मेरे बच्चों की वीडियोस बनाई फॉर नो रीज़न, और वो एक अलग ही शशके होते हैं कि जब आप किसी को मना कर दो कि नहीं, तो वो एक्चुअली आकर आपके मुंह पर वीडियो बना रहे होते हैं, बोलते हैं आपकी वीडियो तो बनाई नहीं आपका, बट हाँ हाँ आपका किस दिन गई थी आप? मैं गई थी सैटरडे को। सैटरडे को? सैटरडे फिर भी रश नहीं था इतना? नहीं फिर भी मुझे वो अजाब लग रहा था संडे को, और इतना सा जो एक सिनेबॉन, इतना सर, इतना पतला, वो 350 का था, इतनी सी वो हॉट चॉकलेट वाज फॉर 400, तो ये मुझे समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्राइसिस में जा रहे हैं, और वहाँ लोग जिस तरीके से खाना ले रहे थे, इट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल। पर एनीवेज मैं यही बोलूँगी दैट प्लीज, नंबर वन जो बच्चियाँ हैं, वो मैंने देखा था कि कुछ स्टैग्स खड़े हुए थे, तो वो स्टैग्स बच्चों को बोलते हैं कि हम आपकी फीस भर देंगे, आप हमें इन करवा दो, वो कपल बन गए, अंदर जाकर वो लोग अलग भी हो गए, तो ये भी बड़ा हो रहा था। सो यस प्लीज रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट एट द सेम टाइम, ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं, और ऐसे इवेंट्स में आई थिंक दैट फैमिली का भी राइट होता है कि वो बाहर जाए, घूमे, बैठे। लौंडा बहुत हो गया है ना, और इजाजत भी नहीं है लौंडा। नहीं मुझे समझ में नहीं आता, जैसे बोहेमिया का कॉन्सर्ट, सारे के सारे लौंडे होते हैं यार, अगर लड़की बोहेमिया को पसंद करती है वो कैसे जाए? सही बात है, मतलब वो 200-300 लोगों में क्या एक ही लड़की हो, मतलब ये बात समझ में नहीं आती। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।